हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन स्पाइसेस। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आमरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आमरस बनाने के लिए मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के 3 आम ले रही हूँ। ये फजली आम है, हमारे घर के आम है और ये पूरे पके हुए हैं। ये मैं 3 ले रही हूँ। आपको जितने का बनाना है आप उतनी क्वान्टिटी में ले लीजिए और फिर हम इसे कट कर लेंगे। रफली चॉप कर लेना है, प्रोफेशनली चॉप करने की इसका ज़रूरत नहीं है, रफली बस चॉप कर लेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। तो इस तरह से सारे मैंगोज को मैं रफली चॉप कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आप उसके साथ ये आमरस खाओगे ना, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको खा के, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर थोड़ा सा दूध डालेंगे, लगभग 1 ग्लास दूध, और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब फिर हम लेंगे सेवई। ये जो मार्केट की, ये जो हाथ से बनी वाली सेवई होती है, मार्केट में मिलती है, वो वाली सेवई हम ले लेंगे। और ये सेवई को हम पानी में बॉईल करेंगे। पानी में बॉईल अच्छा सा आ जाए तब हमें इस सेवई को इसमें डाल देना है। पानी में कोई सॉल्ट वॉल्ट नहीं डालना है, ये सेवई में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे एक बॉईल आए तक के बस उबाल लेना है। फिर बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ रस, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसको घर पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स में ये हो जाती है, बहुत ही जल्दी हो जाती है हाई फ्लेम पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, बॉईल आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, एक छन्नी में छान लेंगे। इस तरह से नीचे को भी बर्तन रख दीजिए ताकि इसका पानी पूरा वो उसमें चले जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम छान लेंगे इसको, ये देखिए। और फिर हमें इसे रख देना है इसके ऊपर, थोड़ा सा जो नॉर्मल टेम्परेचर का हमारे घर में पानी होता है या ठंडा पानी, वो डाल देंगे ताकि ये स्टिकी ना होए, आपस में चिपके ना। इस तरह से पानी डाल दीजिए, इस तरह से पानी डाल दीजिए और बस इसे रख दीजिए साइड में। अब हमारा रस भी बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये ग्राइंड कर लिया हमने, हमने उतना दूध डाला था तो ये इतना ज़्यादा थिक बना है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक है, अब जितनी थिक रखना चाहे उतनी थिक रख सकते हैं। और फिर ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर आपके मैंगोज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने, आपके मैंगोज़ कितने मीठे हैं। तो मेरे मैंगोज़ काफ़ी मीठे थे तो मैं इसमें शुगर ऐड ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, कम ही शुगर ऐड करूँगी। तो शुगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और फिर जो हमारा जार था ना, उसमें हमने दूध डाल दिया था, जो पल्प बचा था उसके ही अंदर, और उसी दूध को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। हम यहाँ पे इतनी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतनी रख लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रस बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम बना लेते हैं हमारी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ वही जो नॉर्मल आटे की होती है, हम हमेशा बनाते हैं वही वाली पूड़ियों को मैं तल ले रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दबा दबा के तलेंगे तो पूड़ी आपकी बहुत ही फुली फुली बनेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी मस्त फुली फुली बन रही है पूड़ियाँ। अब हमारी जो सेवई थी ना, जो हमने रखे थे, उस सेवई को कटोरी में निकाल लेंगे। एक फ्रेंड्स, सेवई के साथ बहुत अच्छा लगता है, और एक कटोरी में हम रस निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना टेस्टी लग रहा है। और फिर हम सेवइयों के ऊपर भी ढेर सारा रस डाल दीजिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सेवई के साथ, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर रस डालने के बाद हम यहाँ पर पूड़ियाँ रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी मस्त फुली फुली पूड़ियाँ हमारी बनी है। पूड़ियाँ रख देंगे, पापड़ रख देंगे, पापड़ के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बस ज़रूर ट्राई करेंगे पापड़ रख देंगे। और फिर गार्निश कर देंगे बादाम से, बादाम डाल के आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के कोई भी डाल लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आम रस की थाली बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बस ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।